तो आज हमने पूजा करी और उसके बाद कान्हा के कपड़े बदले। देखो कान्हा के कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने आराम से बैठे हैं। अब इनके लिए आज भोग बनाएंगे। आज महालक्ष्मी है तो इनकी पसंद का भोग बनेगा। आज ये जो भी खाना चाहेंगे, इनको नारियल के लड्डू पसंद होते हैं तो आज नारियल के लड्डू इनके लिए बनाए जाएंगे। ये देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं और इनके कपड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज। गाइस चाची यहाँ पर लक्ष्मी के लिए यहाँ पर पैर बना रही है लक्ष्मी के। देखो अभी इन पर पूरा डिजाइन देगी साइड साइड से। ये चाची का टैलेंट। बनाओ बनाओ, हमारे दर्शकों को भी दिखाओगे कैसे बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है ये लक्ष्मी जी जा रही है अंदर को। हाँ ये फिर अंदर धन की वर्षा होगी, वर्षा होगी। फिर चाची उनको समेटेगी। आज रात को चाची सारे धन को समेटेगी। आज रात को लक्ष्मी आएगी, कल समेटेगी ना। समेटूंगी आज सारे अंदर आएगी ना, नोटों की वर्षा करते हुए, नोटों के या सोने के सिक्के जो भी होता है। तो अभी कान्हा और रक्षित दोनों आए हैं हमारे घर पे मिलने के लिए और दिवाली विश करने के लिए। हमारे ये वही है जो उस दिन कौन सा भजन गाया था रक्षित आपने, कौन सा भजन गाया था? घाट घाट पे वाला, चित्रकूट के वाला, चित्रकूट के। गाएगा, गाओ फिर एक बार। इसने गाया था ऐसे, तुम्हें आता है? चित्रकूट के नहीं आता। कौन सा आता है? वो दूसरा वाला आता है। कौन सा वाला? मेरे को तो एक आता था, कौन सा था वो याद नहीं आ रहा मेरे को। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में सुनाना ठीक है। पैसे दिखाओ, कितने पैसे हैं आप लोगों के पास? लाओ मुझे दे के जाओ। चलो ये मुझे दे दिए, पैसा ही पैसा होगा। ये दे नहीं रहा है इसने, देखो पकड़े हुए। दो 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 दो, दो। लो फिर रख लो, सारे रखो, दादा के दादा को दे दो। मेरे पता नहीं चलता है ना। तनून दोस्तों, जय श्री राधे। आज के व्लॉग की शुरुआत मुझसे होगी। आज दीदी नहीं, मैं बनाऊंगा। तू कौन है? आई एम नैतिक। अच्छा, और तेरे दांत? मेरे सब्सक्राइबर कहीं तेरे दांत देख के चौंक गए। तो आज मुझे लग रहा है ना मंदिर में तेरे दांत रख के अगर लाइट नहीं होगी ना नैतिक, तेरे दांत से ना सारा उजाला हो जाएगा, है ना? तो मेरे ब्लॉग में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपके ब्लॉग में आके मुझको आज। अच्छा, अपनी खुशी को आप कैसे जाहिर करना चाहेंगे? बहुत गंदी तरीके से। अच्छा, और हमारे सब्सक्राइबर को दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे आप? हैप्पी दिवाली। ताली पे ताली। और आप सभी लोगों को हमारे परिवार चाची यहाँ से सिखा रही है। बोल हैप्पी दिवाली। और तू चढ़ा कहाँ पे? गाइस इसको देखो, ये अभी नीचे उतर गया। गजब है रे तू, गजब है ना। तो आज है महालक्ष्मी और मैं कान्हा के लिए माला बनाने के लिए फूल तोड़ के ले आई हूँ और यहाँ मिल गई मुझे चाची। आज चाची बहुत लंबे टाइम के बाद ब्लॉग में आ रही है। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आज महालक्ष्मी है इसलिए हमने माला बनाने के लिए फूल तोड़े हैं। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई। हाँ, तो आज चाची बहुत लंबे टाइम के बाद ब्लॉग में आई है क्योंकि काम भी इतना ज्यादा हो रहा था, लेकिन फूलों के साथ ब्लॉग में आई है। देखो वैसे शगुन करने से नहीं, खुद पे खुद हो जाते हैं ना। डबल थाली हो रही है, वन डबल थाली। ये है मेरी थाली और ये है चाची की और यहाँ पर है लब्बू। तो कान्हा की माला बनकर तैयार है और जितने सुंदर कान्हा है उतनी सुंदर माला भी बनी है। ये देखो फ्रेश फ्रेश फूल है और माला अभी अभी बनाई है। अब इसको हम पहनाते हैं कान्हा को। ये कान्हा की माला है, अब कान्हा को पहनाते हैं इसको। लग रहा है कान्हा से थोड़ी बड़ी हो गई है माला। कान्हा छोटे हो गए और माला ज़्यादा बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, आज फूलों में मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तू ही लग जाएगी कान्हा, नजर तू ही लग जाएगी। तो गाइस हमारे घर में और हमारे पड़ोस में दोनों जगह दीपावली की धूम चल रही है। दीपावली की तैयारियां
जोरों शोरों से चल रही है और लब्बू और लक्षिता यहाँ पर जुट गए हैं रंगोली बनाने में। लक्षिता बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, इधर आ इधर आ, और ये छोटा डॉन कहने वाला प्राणी इधर आ, एलियन लग रहा है तू बिल्कुल। जादू जादू तेरी नजर, आगे को गा, मेरे को नहीं आता ये क्या है, हथगोला हथगोला, ऐसे नहीं फूटेगा, कैसे फोड़ के दो। ये वही है जो नवरात्रियों में सुंदर सुंदर भजन मंदिर, सॉरी हाँ, जो नवरात्रियों में सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। हमारे दर्शकों को अपना मुख कृपया अच्छे से दिखाने का कष्ट करें, और इनका भी भजन आपने, काले विनाशिनी काली जय जय। ये और लक्षिता ने कौन सा गाया था, कौन सा अपलोड किया था मैंने, ले चला रे राम की निशान, और ये भी बहुत अच्छा गाता है। कभी कभी थोड़ा सा ये पता नहीं वो हो जाता है, अपने रूप से विचलित हो जाते हैं, बिना अपनी असलियत खो के पता नहीं दूसरे ही रूप में आ जाता है कभी कभी। ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है ना, ऐसा लगता है सृष्टि में इससे अच्छा कोई नहीं होगा, है ना, ऐसा लगता है सृष्टि मतलब कृष्ण का दूसरा रूप है लगता है। लेकिन कभी कभी पता नहीं इसको क्या हो जाता है, क्या होता है तुझे, बताना चाहेगा तो मुझे क्या होता है तुझे, ताकि जो तेरे एज के बच्चे है ना वो थोड़ा इसी से दूर हो, क्या होता है, तेज गुस्सा आता है। हाँ, ये गुस्से में मतलब ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, लेकिन नहीं गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है, आज से नहीं करेगा, नहीं। दिवाली में चल एक प्रॉमिस कर, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं चल बोल, दिवाली का प्रॉमिस कर मुझे, मैं जल्दी गुस्सा नहीं करूंगा। इसने अगर बोल दिया, अगर ये अगली बार गुस्सा करते हुए मुझे दिख गया तो मैं सीधे इसकी वीडियो बना के फिर ना तू देख लेना, ठीक है, नहीं करेगा ना पक्का। आ गया ये अपने, और देख अंदर पटाखे फोड़ रहा है, दिए जलाते हैं दीपावली को ना कि पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते, दिए कितने जलाए तूने बता, 150 कितने दिए में बत्ती डाली है तूने, 150 अगर 150 शाम को नहीं हुए ना पिटेगा, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने दिखा दी तो तेरी मम्मी कल से खाएगी रे दिए। तो अभी दीपावली की तैयारी हो रही है और यहाँ पर दिए जल गए हैं, दिए के साथ राम जी का स्वागत किया जा रहा है, और नैतिक नीचे पटाखे जला रहा है, फोड़ लिए पटाखे, नैतिक नीचे पटाखे फोड़ रहा है, और हमने सारे दिए जला दिए, मोमबत्ती पिघल भी गई, थोड़े से दिए जलाए थे और थोड़ी सी मोमबत्तियाँ। ये रहा रात का नज़ारा यहाँ से कुछ ऐसा, इष्टदेव पिंगलीनाग जी का मंदिर, और ये चल रही है यहाँ धूम, और नैतिक नीचे पटाखे फोड़ रहा है, और लब्बू भी चली गई अब।